चलें जी एमसीक्यूज़ करते हैं हम। कहता है जी, पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टैंजिबल नॉन करंट एसेट। बताएं कौन सा नहीं हो सकता। अब देखें, रिमेंबर अ कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज़, ये तो होता है, जनरेटर रेंटिंग वाला भी है, जनरेटर ऑफिस वाला भी है। हाँ, ये जो रीसेल वाला है, अगर देखें कोई भी चीज़ अगर आपने रीसेल के लिए रखी होती है, डैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, तो ये इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बताएं जी, इसमें से कौन कौन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम है वो देखनी है। पहला है स्टैंड बाय जनरेटर, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 ईयर्स। हाँ, ये तो हो सकता है, 7 साल के लिए हमें इस्तेमाल करना है वो तो होगा। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, रीसेल वाला तो नहीं, वो तो रीसेल में है, वो तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अब बस फॉर पिक एम ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, हाँ ये भी है। जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, ये भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1, 3, 4 हैं, तो ए नो, बी नो, 1, 3, 4 सी में, हाँ हाँ, तो सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। टेंजिबल एसेट्स तो हैं, एसेट्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये भी है। एसेट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नहीं, ये जो आप जिनको खरीदते हैं बेचते हैं काम करते हैं वो इन्वेंट्री होती है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसिडर नहीं हो रहे होते। उसके बाद है, अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग टू बी ऑक्यूपाइड बाई हिज ओन स्टाफ। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है, उसने कहा है कि हमने बिल्डिंग बनानी है जो उसका स्टाफ इस्तेमाल करेगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। बताए कौन सी बिल्डिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। देखिए, सीमेंट, आयरन, सैंड, क्रश स्टोन, ये तो मटेरियल है ना, ये तो पार्ट बनेगी, तो ये नहीं है। अब है, अ प्रोपोर्शन ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ये तो कॉस्ट का पार्ट ही बनती है, वो तो है ही है। तो एक तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फिर हायर ऑफ प्लांट मशीनरी फॉर यूज़ ऑन द ऑफिस बिल्डिंग साइड, जो प्लांट मशीनरी लेके आए इस्तेमाल करने के लिए, वो जो है वो इसका पार्ट जो है वो बनेगी। और अगला देखते हैं, एडिशनल डिज़ाइन वर्क कॉस्ट बाय इनिशियल डिज़ाइन एरर, नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, तो ये भी हमारी इनिशियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। तो बी और डी जो है वो हमारे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर है जी, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड यूज्ड इट्स ओन स्टाफ असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स व्हेन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेयर हाउस फॉर इट्स ओन यूज। आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्टेड बिलो डैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। हमने बताना है कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, वो हमने क्या करना है, वो हमने इसको बताना है, यदि ये हमारी कॉस्ट है इसे हम कैपिटलाइज जो है वो नहीं कर सकते। तो इसमें देखते हैं, क्लियरेंस ऑफ साइट प्रेयर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, ये तो होनी चाहिए। प्रोफेशनल सर्वेयर फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी होनी चाहिए। फिर है, ATL's own staff wages for time spent working on construction, ये भी होनी चाहिए। Proportion of ATL's administration cost based on staff spent, हाँ, ये जो admin cost है ये कभी भी SRD cost का part नहीं बनती, तो D जो है वो क्या होगा, D हमारा correct option जो है वो consider हो रहा होगा। फिर जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी कैपिटलाइज विद द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम। बताएं कौन सी जो है इनिशियल कैरिंग अमाउंट का पार्ट जो है वो बन रही होंगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, हाँ ये डिलीवरी कॉस्ट होती है, कैरिज इन कहते हैं, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ प्लांट,
हाँ, ये भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, बिकॉज अगर ये ना हो तो ये नहीं इनकर होगी, तो ये भी आएगी। और डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड रियल वैल्यू, ये भी नहीं आएगी। अ कॉस्ट ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट, ये भी जो है वो नहीं आएगी। तो ये जो है हमारा इसमें आ रहा होता है। फिर 7 देखते हैं, कहते हैं जी, एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवॉइस फॉर मशीनरी शोड द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 46,000 की, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 900 की, कॉस्ट ऑफ 12 मंथ 1600 की, टोटल अमाउंट पेबल 48,500 की। इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड रुपीज़ 3.4 मिलियन इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री सो डैट हैवी मशीनरी कुड बी यूज्ड। तो हमने बताना है मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी। तो देखें, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 46,000 जो है वो आएगी, 900 की डिलीवरी आ जाएगी, वारंटी की कॉस्ट हमारे पास नहीं आएगी। फिर ये है, ये हमारे पास 3,400 आ जाएगी, तो ये कितना बनेगा, 50,300। तो 50,300 मतलब डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। फिर है, अ बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 400 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2015, इन द पीरियड टू द ईयर एंड 31 मार्च 2015, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडेप्टेशन ऑफ बिल्डिंग 12,000 की है। ओके, इसने कितने का लिया था, 400 मिलियन का, तो 400 मिलियन इन 1000 बनता है 4 लाख। ओके, इनिशियल अडेप्टेशन ऑफ बिल्डिंग 12,000 की है, लीगल कॉस्ट जो है 2500 की है, एयर कंडीशन यूनिट नेसेसरी फॉर सॉरी मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका 3400 का है, एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है जो नेसेसरी हमारा है मशीनरी के लिए वो 2800 का है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो हमारी कितनी की है, वो हमारी 12,300 की है। कहता है, व्हाट अमाउंट शुड बी अपेयर एज द कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस, हमने बतानी है कि जो उसने प्रेमिसेस ली हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी प्रेमिसेस में। अभी मशीनरी नहीं आएगी तो प्रेमिसेस में, तो प्रेमिसेस 4 लाख के लिए थे, 12,000 हमारी अडेप्टेशन बिल्डिंग पे, 2500 हमारी जो है वो लीगल कॉस्ट जो है वो इनकर हुई है। तो ये कितना बनेगा, 4 और 12, 4 12, 4 14 500। तो प्रेमिसेस की कॉस्ट जो है वो हमारे पास ये बनेगी, और ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट जो है वो आ रही होगी। फिर है हमारे पास, एन एंटिटी बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इनकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट, लैंड, मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट फी, सर्वेयर फी, साइट ओवरहेड्स, अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड्स का मतलब होता है ये आपके अखराजात होते हैं जो आपने टोटल किए होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म और बिजनेस रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर, बिजनेस रेट्स का मतलब है कि जो आपने टैक्स पे किया है वो। कहता है जी, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, हमने बताना है टोटल फैक्ट्री किस अमाउंट पे आएंगे। तो 1200 आएगा, 2400 आएगा, फिर लेबर का 3000 आएगा, आर्किटेक्ट फी आएगी, सर्वेयर फी, ये तो हमारे पास आ रही होगी। फिर हमारे पास जो हैं साइट ओवरहेड, मतलब जो खर्चे उस साइट को प्रिपेयर करने के आए हैं वो भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं आएंगे, फायर अलार्म जो लगे हैं उसकी कॉस्ट भी बीच में आएगी। तो ये सारा कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे, 1200 जमा 2400 जमा 3000 जमा 25 जमा 15 जमा 300 जमा 10, तो ये बनेगा हमारे पास 695,000। तो ये इसका आंसर जो है बन रहा होगा। उसके बाद है, ऑन 1 मार्च 2018 मर्करी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम प्लांट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, उसने ये मशीन ली है, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है हमारे पास 82,000 की, इम्पोर्ट ड्यूटी है, डिलीवरी फी है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, प्री प्रोडक्ट टेस्टिंग है, 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। कहते जी, इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, ML वॉज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन लिस्ट प्राइस, उसे कितना डिस्काउंट दिया है, हमने 10% दिया है लिस्ट प्राइस के ऊपर, एंड सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%, और हमने उसे क्या दिया है, सेटलमेंट डिस्काउंट 5% दिया है ऑन रिमेनिंग पेमेंट इफ़ पेमेंट ऑफ द मशीन वॉज रिसीव विद इन 1 मंथ ऑफ परचेज, ML एक्सपेक्टेड एंड पेड फॉर द प्लांट ऑन 25 मार्च 2018, ऑन वट अमाउंट द प्लांट शुड बी इनिशली मैयड ऑन एक्विजिशन, हमने देखना है किसके ऊपर उसको लेके चल रहे हो।
तो हमारे पास प्लांट हमने लिया था 82,000 का, इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे जो मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट होगा 10%। वो अब 82,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो ये आ जाएगा 8,200। ये लेस करवाने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 73,800। इसमें से उसने कहा है कि उसको 5% सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, तो हमने लेना है 5% सेटलमेंट डिस्काउंट, इसी का ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारा 73,000, ये बनेगा 7380 का हाफ किया 3690, 3690 जो है वो हम ये भी इसमें से लेस करवा देंगे। अब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है 1500 की हम ऐड कर देंगे, डिलीवरी फ़ी जो है 2050 की हम वो भी ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो हुई है हमारी 9500 की वो भी हम ऐड कर देंगे, फिर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो है 4900 की वो भी ऐड होगी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो हमारा इग्नोर हो जाएगा। हम इसको जमा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 88060, ये हमारे पास क्या आएगा जवाब आएगा, तो ऑप्शन डी वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर। डी जो है हमारा क्या है अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेनिस लिमिटेड न्यू स्टोर बिगेन ऑन 1st April 2019, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इनकर हुई है। फ्री होल्ड लैंड है हमारे पास, वो हमने लिया 4500 का, आर्किटेक्ट फ़ी हमने पे की है 620 की, साइट प्रिपरेशन हुई है 1650 की, मटेरियल लगा है 7800 का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी 1200 की, लीगल फ़ी लगी है 2400 की, जनरल ओवरहेड है 940 के। स्टोर हमारा कंप्लीट हो गया 1st January को। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एज PPE इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्टोर। तो देखिए ये आएगा, ये भी इनकी ऐड होगी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी ऐड होगी, मटेरियल भी ऐड होगा, लेबर कॉस्ट भी ऐड होगी, लीगल फ़ी भी ऐड होगी, जनरल ओवरहेड जो है वो नहीं आ रहे होंगे। तो इन सब को हम जमा करेंगे तो 4500 जमा 620 जमा 1650 जमा 7800 जमा 11200 जमा 2400 तो बनेगा 28,170। तो ये ऑप्शन वन है, तो ऑप्शन वन जो है हमारा क्या बनेगा इसमें बन रहा होगा। उसके बाद है ऑन 1st March 2010 अर्थ लिमिटेड परचेज एंड अपग्रेड पैकेज फ्रॉम सन लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹18 million फॉर द मशीन इट ओरिजिनली परचेज इन 2018। द अपग्रेड टुक अ टोटल ऑफ 2 days वेयर द कंपोनेंट्स वर एडेड टू मशीन। EL agreed to purchase the package as a new component would lead to reduction in the production time per unit of 15%. This will enable to increase production without need to purchase a new machine. What is appropriate accounting treatment? देखें ये बात कर रहा है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है हमारी subsequent expenses की, किसकी हो रही है, जो हमारे subsequent expenses हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का मतलब जो है कौन से जो हमारे बाद में अखराजात इनकर होने हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में एक रूल जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमने कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किए जिसकी वजह से हमारे एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन टाइम मतलब कमी आ रही है, अब प्रोडक्शन टाइम में कमी आना इज़ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कैसे इट इज़ इंक्रीज इन एफिशिएंसी, देखिए पहले एक मशीन जो है एक प्रोडक्ट बनाने में फॉर एग्जांपल 20 मिनट लगा रही थी, आपने उसमें नए पुर्जे ऐड किए हैं, अब वो वही जो प्रोडक्ट है वो 15 मिनट में बना लेती है, तो वो टाइम सेव कर रही है। अब टाइम सेव करना इज़ अ एफिशिएंसी, तो वो जो पुर्जा ऐड किया है अगर वो मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा कैपिटलाइज होगा। तो ये जो कॉस्ट है इसे हम क्या करेंगे कैपिटलाइज जो है वो कर रहे होंगे। फिर है मशीन प्राइस वॉज ₹1 million एंड वॉज कैरियड थ्रू अ ट्रक
ट्रक फेयर जो है 20,000 था, इंजीनियर ने चार्ज किया कितना 45,000, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी, तो सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है 1,045,000 और 20 1,065, तो 1,065 जो है डी ऑप्शन जो है वो हम क्या करेंगे कंसीडर कर रहे होंगे, डी ऑप्शन जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेके चलेंगे। फिर 14th की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट का कंपोनेंट कौन सा नहीं होगा, परचेज प्राइस होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट होती है, रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो कभी भी एसेट कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बन रही होती। क्या तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन कंसिडर हो रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, विच ऑफ दीज कॉस्ट इज कैपिटलाइज एज कॉस्ट ऑफ एसेट, जनरल ओवरहेड आते हैं नो, ऑपरेटिंग लॉस नो, एडमिन एक्सपेंस नो, जो प्रोफेशनल फी होती है ये हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटलाइज एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, देखिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब पता क्या होता है कि इसकी वजह से ही हो रही है, अगर मशीन लेते तो हमें ये ख़र्चा इनकर करना पड़ रहा है, अगर हम कभी भी मशीन ना लेते तो हमें ये ख़र्चा कभी भी इनकर ना करना पड़ता, तो डैट एक्सपेंस इज एक्चुअली इनकर ड्यू टू डैट मशीन, डैट एक्सपेंस इज एक्चुअली इनकर्ड ड्यू टू डैट मशीन, तो उसकी वजह से हो रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे एसेट कॉस्ट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। तो अब साइट प्रिपरेशन होती है, शील्ड टेस्टिंग होती है, इंस्टॉलेशन असेंबली होती है, ये जो कैरिज इनवर्ड है, अगर खाली कैरिज इनवर्ड होना देखें, अगर यहाँ पे मैं ये लफ्ज़ काट दूँ और खाली कैरिज इनवर्ड लिखा है तो कैरिज इनवर्ड तो आएगा, बट ये कैरिज इनवर्ड कौन सा है, फॉर द फ्यूल ऑफ मशीनरी है, कि आपने मशीनरी का ऑयल मंगवाया उसके लिए जो कैरिज इनवर्ड कर रहे हैं, डैट इज़ नॉट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा आपका सही ऑप्शन इसका होगा। फिर एन एंटिटी जस्ट रिसीव सिविल वर्क बिल फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ₹580,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू गार्ड रूम एंड रिपेयर ऑफ सीवरेज सिस्टम, ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड डैट 15% ऑफ टोटल बिल रिलेट्स टू रिपेयर वर्क, वट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज, हमने बताना है कितनी अमाउंट जो है वो हमारी कैपिटलाइज हो रही होगी। तो अब देखें हमारे पास 580,000 है, तो इस 580,000 रुपये में से 85% जो है वो हमारा क्या हुआ है डैट इज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और 15% जो है वो रिपेयर से रिलेटेड है, तो अब चूंकि रिपेयर का ख़र्चा भी मुझे पता है तो सारा तो मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है, सारा एक्सपेंस आउट भी नहीं होगा। हाँ ऑप्शन सी ठीक है कि 85% कैपिटलाइज होगा और 15% जो है मैं क्या कर रहा हूँगा एक्सपेंस आउट कर रहा हूँगा। अब कहते हैं जी ऑन 22nd February एन इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड फॉर ₹800,000, कितने इक्विपमेंट लिया उसने 800,000 का इक्विपमेंट लिया, इट वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली जो है वो क्या हो गया वो डिलीवर हो गया, द एंटिटी पेड ₹500,000 इमीडिएटली, एंटिटी ने इमीडिएटली जो है 500,000 जो है पे कर दिया और रिमेनिंग जो है उन्होंने कब पे किया 4 मार्च को पे किया। कहते हैं व्हाट जर्नल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 22nd February, क्या एंट्री पास होगी, देखें इक्विपमेंट चूँकि हमने बाय किया, इक्विपमेंट हमें मिल गया, इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो जाएगा 800,000 से, और हम बात करें क्रेडिट की, हमने पेमेंट की है तो 500,000 जो है या बैंक में हो जाएगा क्रेडिट और 300,000 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा पेएबल आ रहा होगा। अब ये कहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन ए द आंसर इज नहीं, ये तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो वो इसका ऑप्शन जो है बन रहा होगा।
फिर जी ऑन 22 फरवरी एन इक्विपमेंट वॉज ऑर्डर फॉर 8 लाख बाय पेइंग 20% एडवांस। हमने 22 फरवरी को ऑर्डर दिया, 20% एडवांस पे किया। इट वॉज डिलीवर्ड ऑन 4 मार्च और ये 4 मार्च को हमने क्या किया था, डिलीवर किया था। वेन द एंटिटी पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू, और एंटिटी ने 50% अमाउंट पे कर दी। रिमेनिंग जो है उन्होंने कहा था हम कब पे करेंगे, 25 अप्रैल को। वट शुड बी द जर्नल एंट्री ऑन 4 मार्च, 4 मार्च को हमारी ये एंट्री क्या होगी, हमने वो देखनी है। अब देखें, इक्विपमेंट हमने ऑर्डर किया था और वो 4 मार्च को हमें मिल गया। जब हमें इक्विपमेंट मिला, अब इस तरह के सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या बात कह रहा है। देखें, ऑर्डर कब किया उसने, 22 फरवरी को, और कितना पे किया था एडवांस, 20%। डिलीवर कब हुआ है, 4 मार्च को। हमसे कौन सी एंट्री पूछ रहा है, वो 4 मार्च की एंट्री पूछ रहा है। तो देखिए, 4 मार्च की अगर मैं एंट्री करूँ, मुझे इक्विपमेंट मिल गया है, इक्विपमेंट तो मैं डेबिट कर दूंगा 8 लाख से। 8 लाख से इक्विपमेंट जो है मेरा क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट जो है वो हो जाएगा। अब रही बात क्रेडिट की, किसे करना है, तो देखिए उसने कहा है 50% जो है वो मैंने क्या किया है, इस वक्त पे किया। अब बैंक से जो पेमेंट हुई है 50% की, 4 लाख से बैंक जो है वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब एक और चीज़ देखें, जब उसने 22 फरवरी को ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर दिया था तो एडवांस जो उसने पे किया था 20% के हिसाब से, मतलब 1,60,000 उसने डेबिट किया था और 1,60,000 से बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ था। अब चूंकि उसको इक्विपमेंट मिल गया है तो एडवांस तो अभी नहीं रहा, तो जो इसने ये 1,60,000 का एडवांस पे किया था, हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट जो है वो कर रहे होंगे, और बाकी जो है हमारे पास रह जाएगा पेएबल, और वो कितना बनेगा, 2,40,000। अब ये किस पे आता है हमारा, डेबिट इक्विपमेंट 8 लाख से एडवांस हमारा क्रेडिट हो रहा है, 1,60,000 से बैंक ने हमने पे किया 4 लाख से, और पेएबल्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं इसके ऊपर। ए जो है वो क्या बनेगा, इसका अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा होगा। ट्वेंटी भी सेम ही है, तो 20 का ऑप्शन भी हमारा ए आएगा। मेरे ख्याल से 19th में ना गड़बड़ है, 19th में ये डेट 4 मार्च नहीं होनी चाहिए थी, ये 22 फरवरी के मुताबिक होना चाहिए था। खैर, हमने देखा क्या है क्या नहीं। यस, फिर है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, एलोकेट द डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट आएगी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस करवाएं तो मेरे पास क्या आती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो ऑप्शन ए। फिर 22वें का ऑप्शन क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेजिडुअल अमाउंट। फिर 23वें का देखते हैं क्या जवाब है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज़ रेजिडुअल वैल्यू। फिर है जी हमारे पास 24वें का देखते हैं, ह्यूज लिमिटेड परचेजेस द मशीन फॉर ₹6 मिलियन, इट हैज़ एन एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए कॉस्ट कितनी है, 6 मिलियन है उसकी कॉस्ट, 6 मिलियन कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी, 1 मिलियन है। लाइफ कितनी है,
पाँच साल है तो उसके डिप्रिसिएशन कितनी आएगी हमारे पास, 1 मिलियन जो है फॉर द ईयर आ रही होगी उसके डिप्रिसिएशन। उसके बाद है स्मॉल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹8 मिलियन, इट हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 1.5 मिलियन, लाइफ 7.5 है, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन परसेंटेज टू बी अप्लाइड। देखें सवाल चेंज हो गया, सवाल है बताएं डिप्रिसिएशन परसेंटेज क्या होगी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने बताना है कि हमारी डिप्रिसिएशन परसेंटेज क्या बनेगी। तो सिंपल सी बात है, हम इसे 1 ओवर यूज़फुल लाइफ करें तो मेरे पास क्या हो सकती है, मेरे पास डिप्रिसिएशन की वो आ सकती है, हमें देख के आए थे 1 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ 7 है तो ये उस पर आ सकती है। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास, डैट इज एन आइटम ऑफ लैंड वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर ₹2 मिलियन एंड इज बींग डेप्रिशिएटेड एट 25% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वट वुड बी इट्स रेजिड्यूल वैल्यू आफ्टर अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। बताएं जी 5 सालों के बाद उसकी रेजिड्यूल वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हम इसको लाइक शॉर्टकट वे में अगर करें तो ईयर 1 के बाद देखें 2 मिलियन डेप्रिसिएट करेंगे, जब हम कैरिंग वैल्यू निकालते हैं तरीके क्या क्या होता है, हम इसका लेंगे 25%, वो आएगा हमारे पास 2 मिलियन का, 2 मिलियन का अगर मैं लूँगा 25% तो कितना आएगा 5 लाख, ये 5 लाख लेस करवाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 लाख, ऐसे ही है। एक तो ये है, या मैं इसको अल्टरनेटिवली कर लूँ, ये 15 लाख किसको शो कर रहा है 75% का, तो अगर मैं 2 मिलियन का डायरेक्टली ले लूँ 75% तब भी कितना जवाब आएगा, 2 मिलियन का अगर मैं डायरेक्टली 75% लूँ तब भी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 15 लाख ही आ रहा होगा। तो हम इसको अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, उसे क्या 5 साल के बाद, देखें पहले साल कॉस्ट थी डेप्रिशिएट किया मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन 75% लिया, ये उसको मल्टीप्लाई किया फिर 75% से, फिर 75% से, फिर 75% से, जो जवाब आएगा उसको भी 75% से। तो यहाँ पे हम ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या चीज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डेप्रिशिएट करने के बाद, बिकॉज अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले साल के बाद कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो जवाब आएगा अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो दूसरे साल के बाद कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, फिर जो जवाब आएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो तीसरे साल के बाद की जो है वो कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। सेम गोज़ विद द 4th एंड सेम गोज़ विद द 5th ईयर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, 474609 जो है वो जवाब बन रहा होगा। फिर 27 देखते हैं, स्मॉल लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹6 लाख, इट हैज़ एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हमने बताना है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो यूजफुल लाइफ के ऊपर सेल्वेज वैल्यू जो है कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है असूल हमारे पास यही होता है कि जो हमारे पास रेजिड्यूल वैल्यू है ना, असूल हमारे पास क्या है, असूल है जो हमारे पास रेजिड्यूल वैल्यू है डैट मस्ट बी इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ। तो एंड ऑफ लाइफ के बाद हमारी यही जो लाख रुपया है सेल्वेज वैल्यू जो है वो क्या होगी, होगी। उसके बाद है स्मॉल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹8 मिलियन, इट हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 1.5 मिलियन, यूजफुल लाइफ जो है 7 ईयर्स है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू कॉस्ट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
इसका होता है जी 1 माइनस रूट लेंगे 7 ईयर से 7 रूट हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी उसकी 1.5, टोटल कॉस्ट कितनी थी 8 थी, तो 1.58 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गालिबन 21.27 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या होगा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है बन रहा होगा। फिर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डेप्रिसिएशन द एक्सपेंस मे बी जीरो इन द पीरियड ऑफ विच एसेट इज नॉट यूज, तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमारे डेप्रिसिएशन जो है वो जीरो हो सकती है। फिर एन एरोप्लेन इंजन वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 75 मिलियन एंड हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 48,000 आवर्स। द प्लेन वॉज फ्लोन फॉर 1,800 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, वट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। तो देखें फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर यूज डिवाइड करेंगे हम टोटल आवर्स। तो यहाँ पे स्क्रैप बिल तो है नहीं, 75 मल्टीप्लाई बाय इस साल कितने चले हैं 1,800, टोटल कितने हैं 48,000 हैं। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1,800 डिवाइड करेंगे हम इसको, इससे तो ये आएगा हमारे पास 2,812। तो 2,812 जो है वो क्या बनेगा, इसका जवाब जो है वो बन रहा होगा। फिर जी हमारे पास अ मोटर व्हीकल रुपीज़ 4 लाख की है, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 5 ईयर्स रुपीज़ 40,000। सम ऑफ ईयर डेट मेथड हमने इस्तेमाल करना है, व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 2। अब देखिए सम ऑफ ईयर डेट मेथड में हम पहले सम ले लेंगे डिजिट्स का, तो वो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे n 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 30 बाई 2, तो ये कितना होगा 15 हमारे पास बन रहा होगा, डैट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स। अब हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो देखिए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन हमारे पास जो बनेगी डैट इज़ 4 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर फैक्टर 5 डिवाइड करेंगे 15 से, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी, कितनी बनेगी 1,20,000 बन रही होगी। फिर ईयर 2 में भी हमारे पास यही है, 4 लाख माइनस 40,000, अब करंट ईयर फैक्टर 4 है डिवाइड करेंगे 15 से, तो इसको हमने किया तो ये कितना आएगा 96,000। तो इसको जमा करेंगे 2 साल के, इसके डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी 2,16,000। तो 4 लाख हमारे पास कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास 2,16,000 है, तो 184,000 जो है मेरे पास क्या होगी WDV जो है वो कंसीडर हो रही होगी। फिर 32वां, मीडियम लिमिटेड परचेज द कार फॉर रुपीज़ 2.2 मिलियन, इट हैज़ एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड यूजफुल लाइफ 5 ईयर। तो 2.2 मिलियन स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख की है, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल की है। व्हाट इज़ द चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, तो 5 साल है तो डिवाइड करेंगे सम ऑफ ईयर 5 साल का तो बनता है 15, और 5/15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डैट विल बी 66667। तो ये इसका जवाब जो है वो बन रहा होगा। उसके बाद है जी नॉर्मल लिमिटेड परचेज्ड premises for rupees 16 million with no salvage value, okay, and useful life of 45 years, okay, what is the depreciation charge for the fourth year under the sum of year digits method, बताएं जी fourth year का depreciation charge जो है वो क्या होगा। अब देखिए sum of year digits है ना, तो सबसे पहले हम जो है हम निकालेंगे sum of digit, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 45 है, 45 जी, 45 इंटू 45 प्लस 1 डिवाइड करेंगे हम इसको 2 के ऊपर, तो मेरे पास सम ऑफ डिजिट आ जाएगा इसका 1,035। अब उसने कहा है हमने निकालना है फोर्थ ईयर के ऊपर, तो पहले साल 45th बनता है, सेकेंड ईयर 44th, थर्ड ईयर 43 और ये 42 आएगा। तो हम अगर हम निकालें तो ये होगा जी 16 इंटू
42 बिकॉज फोर्थ ईयर का हमने कहा था हम रिवर्स में लेके चलते हैं। देखें ना, अगर हम पहले साल की बात करें, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, तो ये 45 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 43 डिजिट्स आएंगे, फिर 42 होंगे, एंड सो ऑन। तो फोर्थ ईयर में कौन सा आ रहा है रेलिवेंट डिजिट? 42। तो 42 को डिवाइड करेंगे हम 1035 के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा और वो कितना बनेगा, 6492754 जो है वो इसका जवाब बन रहा होगा। फिर जी हमदा लिमिटेड एक्वायर्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 अक्टूबर 2014। इट्स इनिशियल कैरिंग अमाउंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो उसने हमें दिया है। कहते हैं जी द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है और एयर कंडीशनर की 25 साल और 10 साल है। कहते हैं व्हेन द एयर कंडीशन सिस्टम इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑल सिस्टम विल बी डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड फॉर ₹5,00,000। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या होनी है, टाइम अपोर्शन होनी है वेयर अप्रोप्रिएट। What is the what will be the what amount will the non-current asset will shown in Hunza Limited statement of financial position as at March 31, 2015? Okay. अभी बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही टेक्निकल एमसीक्यूज है, देखें। कहता है जी उसने कब ली है, अक्टूबर में, और ईयर एंड क्या है, मार्च। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक पहले टाइम पीरियड काउंट करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस एमसीक्यूज में कैलकुलेशन जो है वो तो हो रही है 6 मंथ्स की। अब रिक्वायरमेंट है कि एसेट्स किस अमाउंट के शो होंगे। देखिए लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड तो हमारा शो होगा 2000 का, ठीक है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 10,000 है, और बिल्डिंग की लाइफ कितनी थी, बिल्डिंग की लाइफ है 25 और 6 माह, बिकॉज हमने ये ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है। इसको मैं क्या करूँगा, मैं 6/12 करूँगा। तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग की आ रही होगी फॉर द ईयर कितनी बनती है, तो 10,000 को डिवाइड किया 25 से और ये मेरे पास आ जाएगी 200 जो है वो बनेगी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। अब हमने यहाँ पर लिखनी होती है जब भी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, तो कैसे लिखे जाते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 200, तो कितने का आएगा, 9,800 की बिल्डिंग जो है वो शो हो रही होगी। और एंड पे आएगा हमारे पास एसी। अब एसी इसने लिए थे कितने के, 4,000 रुपये के। वो कहता है जी एसी जब रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो हमें लग रहा है हम उनको 5,00,000 के बेच देंगे, तो मतलब इसने रेजिडुअल वैल्यू इसे गिवन की है, तो हम एसी की भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एसी की कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 4,000, स्क्रैप वैल्यू जो है 1,000 आ जाएगी 500, लाइफ जो है वो आ जाएगी इसके पास 10, तो ये आ जाएगा जी 3,500 को डिवाइड किया 10 पे कितना आ गया, 350।
तो एसी की आएगी 4,000 माइनस 350 करेंगे, सॉरी 350 आएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, बिकॉज 6 मार्क के लिए नहीं ना, तो हम क्या लेंगे 175। सो मैं ध्यान से उसको दोबारा कर देता हूँ, नीट से थोड़ा नीट वर्क में करके बताता हूँ। देखें एसी हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो दोनों जो हैं 6 मंथ्स की आ रही है ना, तो अगर हम एसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो एसी की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एसी की कॉस्ट कितनी है, उसने हमें गिवन की है 4,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, डैट इज़ 500, उसने हमें गिवन की है लाइफ कितनी है 10, क्योंकि इस साल हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, तो हम उसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन जो है वो निकालेंगे। तो 4,000 माइनस 500 डिवाइड किया हमने इसको 10 पे, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो कितनी आएगी 175 जो है आ रही होगी डेप्रिसिएशन। तो 4,000 एसी की कॉस्ट थी, 175 हम उसमें से लेस करवा देंगे डेप्रिसिएशन का, तो किस पे शो हो रहा होगा 3,825 के ऊपर, तो हम इसको जमा कर लें 2,9,3,825, तो ये बनेगा 1,5625 ये इसका ऑप्शन जो है वो बन रहा होगा। एक अच्छा सवाल था ये। फिर है जी, एन एंटिटी परचेज लैंड विद एन ऑफिस बिल्डिंग, द बिल्डिंग हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर, हाउ शुड बी द लैंड डेप्रिशिएटेड। लैंड भाई कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, अगर तुम लैंड को डेप्रिशिएट करोगे तो फिर ये ना कहना क्या फील क्यों करते हैं। फिर जी, इफ़ एन एसेट इज़ आइडल, अगर हम एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज करेंगे, हाँ अगर आउटपुट मेथड हो फिर तो चार्ज नहीं होती, अदरवाइज हम हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। 37 है हमारे पास, टॉम लिमिटेड रन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विद द ईयर एंड ऑफ रुपीज़ 31 दिसंबर 2019 ऑन 1 अप्रैल 2019। टॉम लिमिटेड एक्वायर्ड अ डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4.8 मिलियन, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है 8 साल है, स्क्रैप वैल्यू नील है, व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। देखें जी, ट्रक लिया है इसने 4.8 मिलियन का, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, लाइफ जो है ट्रक की 8 साल है, और इसने कब लिया है, इसने लिया है अप्रैल में, इसने कब लिया है, अप्रैल में लिया है, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9/12 जो है हम इसे करेंगे, तो मेरे पास क्या होगी, आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन, और वो कितनी बनेगी हमारी, 4,50,000 बन रही होगी। उसके बाद है, एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट एनुअली तो 31 दिसंबर, मतलब जिसके अकाउंट 31 दिसंबर पे एंड हो रहे हैं, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईयर एंड हमारा ये है, प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स मशीनरी, अपनी मशीनरी के डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है कि रेट क्या होगा, 10% होगा और स्ट्रेट लाइन पर एनम होगा। ऑन 31 दिसंबर 2016 द मशीनरी कंसिस्टेड ऑफ 3 आइटम्स, 3 आइटम्स जो हैं मशीनरी की उसने हमें गिवन की हुई हैं। एक मशीन ए है जो हमने ली थी 2014 में, एक मशीन बी है जो हमने ली थी 15 में, एक मशीन सी है जो हमने 16 में ली थी। हमने बताना है एनुअल चार्ज क्या होगा। देखें, उसने हमसे पूछा 2016 के, हमारे लिए रेलेवेंट है जो 1 जनवरी 2016 को शुरू होगा और ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर 2016 को ख़त्म हो रहा होगा। अब ये मशीन तो हमारे पास साल के शुरू में मौजूद थी, हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसका 10% लेंगे, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 3 लाख बनती है, इसकी डेप्रिसिएशन मैं ले लूँगा। ये भी मेरे पास मौजूद थी, इसका लूँगा 10%, 2 लाख आ जाएगा, मैं ये भी ले लूँगा। अब ये है जुलाई में, तो इसका लेंगे 10%, मल्टीप्लाई करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6/12 से, तो 6 माह की डेप्रिसिएशन जो है इसकी ली जाएगी, डैट विल बी 2 लाख, तो ये भी आ जाएगी। जमा करूँगा 3 और 7 बनता है, तो ऑप्शन सी जो है डैट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर डैट MCQs। फिर है जी, एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट्स एनुअली टू 31 दिसंबर 2000 प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स मशीनरी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हम उसे कर रहे हैं। 31 दिसंबर को जो हमने मशीनरी ली थी वो हमारे पास ये थी, ये और ये, उसने हमें गिवन की है। अब सवाल यही सेम है, मेथड जो है वो हमारा क्या हो गया है, हमारा मेथड जो है वो चेंज हो गया है। अब हमें निकालनी है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन तो हमें निकालनी है किस डेट से, मतलब 1 जनवरी 2016 से लेके
31 दिसंबर 16 तक इस रेलेवेंट डेट के लिए हमने जो है वो क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब पहली बात करते हैं मशीनरी इसकी। तो ये 2 साल आप देखें, ये मशीन थी, ये हमारे पास मशीन इस्तेमाल हुई थी, और ये इस डेट तक मतलब 14 में ली, 14 का पूरा इस्तेमाल हुई, 15 का पूरा साल जो है इस्तेमाल हुई है। तो 16 के स्टार्ट पे हम इसकी निकालते हैं कैरिंग वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखें जी, 3 मिलियन, 1 साल डेप्रिशिएट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी, 90%। जो जवाब आएगा अगर मैं उसको भी डेप्रिशिएट करूँगा तो कितनी आएगी, 90%। तो 3 मिलियन है, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ है, तो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो कितना आएगा ये मेरे पास, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू मेरे पास बनेगी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू मेरे पास बन रही होगी 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो ये बनेगी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू मेरे पास 2430000 जो है ये मेरे पास बन रही है ओपनिंग कैरिंग वैल्यू को, साल के शुरू में ये है। इसका हम ले लेंगे 10%, तो ये आ जाएगा जी, इसका हम लेंगे अगर 10% तो आ जाएगा 243। मतलब इस मशीन की जो वैल्यू बनेगी डेप्रिसिएशन की वो कितनी होगी, 243,000 जो है वो बन रही होगी। हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद ये वाली मशीन थी, ये हमने ली थी 15 अप्रैल में, तो ये 15 अप्रैल से लेके सिर्फ इतना डेप्रिशिएट हुई है। तो अगर मैं इसकी भी WDV निकालना चाहूँ तो ये मैंने मशीन ली थी कितने की, ये मैंने मशीन ली थी 2 मिलियन की, रेट था मेरे पास 10%। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने की ये डेप्रिशिएट हुई थी, इसे हम करेंगे 9/12। तो 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 9/12 करेंगे तो ये कितनी आएगी डेप्रिसिएशन इसकी, 1.5 लाख जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। तो अगर मैं इसके WDV निकालूँ तो ये बनेगी 2 मिलियन, माइनस में करूँगा इसको 1.5 लाख, ये कितनी आ जाएगी, 1850000 आएगी। इसका अगर मैं लूँ 10% तो ये कितनी बनेगी, 185,000 जो है वो फॉर द ईयर इसकी डेप्रिसिएशन बन रही होगी। और मशीन सी की बात करूँ तो 4 मिलियन की ली है, तो 4 मिलियन की मशीन ली है, इसी साल ली है, 10% हमारा जो है वो रेट है। चार मिलियन की मशीन ली है, 10% रेट है, और 6/12 करेंगे तो ये कितनी आएगी, 2 लाख ही आएगी। जमा कर लेंगे 2 लाख, जमा 1.85 जमा 2.43, तो ये बनेगा 6,28,000, तो ये डेप्रिसिएशन बनेगी फॉर द ईयर। फिर बात करते हैं अगले MCQs की। कहते हैं जी, एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट्स एनुअली टू 31 दिसंबर, जो एक एंटिटी जो है जो अपने अकाउंट बना रही है 31 दिसंबर तक के लिए, उसने हमें बताया है, उसने हमें अपना डेप्रिसिएशन का डाटा जो है वो क्या किया है, प्रोवाइड किया है। रेट जो है 10% है, बैलेंस रिड्यूसिंग है, और जनवरी के ऊपर जो है उसने एक मशीन ली थी पिछले साल 18 में 4 मिलियन की। ऑन 1st January 2021 The entity concluded that straight line method would be more appropriate. Entity को लग रहा है कि straight line method जो है वो क्या होगा, ज़्यादा appropriate होगा। And estimated useful life जो है 5 साल है, और residual value जो है 5 लाख है at the end of useful life. What is the depreciation expense? कितना depreciation expense हम charge करेंगे? देखें यहाँ पे कहानी जो है वो किसकी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी कहानी चल रही है वो है चेंज इन एस्टीमेट की। वो किसकी हम बात कर रहे हैं, चेंज इन एस्टीमेट की बात कर रहे हैं। अब चेंज इन एस्टीमेट के लिए हमारे पास जिस दिन एस्टीमेट चेंज होता है उस दिन की कैरिंग वैल्यू जो है वो हमने लेनी होती है। अब देखिए, ये मैंने मशीन ली थी 1st January को कितने की, 4 मिलियन की।
तो 18 में ली थी, पहले साल डेप्रिशिएट किया 10%, 10% डेप्रिशिएट होने के बाद जो कैरिंग वैल्यू आई वो कितनी बनती है 90%, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 हो गया 90 से, फिर 19 भी 90 से आ गया, फिर मेरे पास 20 भी 90 से आ गया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2020 के एंड पे, मतलब 2021 के स्टार्ट के ऊपर मेरे पास जो है वो क्या होगा, आ जाएगा कि इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी बनती है। तो ये बनेगी मेरे पास 2916000 जो है वो मेरे पास क्या बन रही होगी, इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो बन रही है। अब उसने कहा है कि हमने क्या किया है, इसकी लाइफ जो है वो चेंज कर दी है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 2916000, इसकी स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 5 लाख है, हम उसको डिवाइड करेंगे, और सॉरी लाइफ कितनी है रिमेनिंग, 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2916000 माइनस 5 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये बनेगी 483200, ये इसकी वैल्यू जो है वो बन रही होगी। फिर है एन एंटिटी विच मेक्स अप अकाउंट्स, तो 31 दिसंबर वो हमें क्या कर रहा है, बता रहा है इक्विपमेंट का रेट कितना है, 10% पर एनम है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, जब उसने मशीन ली थी 4 मिलियन की। जनवरी पे कहता है कि अब उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाना है, और रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख है, और लाइफ के ऊपर ये 5 साल है। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखें उसने मशीन कितने की ली थी, उसने ये एंटिटी ने ली बाय की थी 4 मिलियन की, कितने की ली थी 4 मिलियन की। अब उसने हमें रेट यहाँ पे गिवन कर दिया है वो कितना है, 10% है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 10% के हिसाब से एक ही डेप्रिसिएशन आएगी, वो कितनी होगी 4 लाख। तो 18, 19, 20 तीन साल की डेप्रिसिएशन बनेगी, 4 लाख इंटू 3 किया तो 1.2 मिलियन बन गई। तो 4 मिलियन माइनस 1.2 मिलियन किया, तो मेरे पास इस दिन जो कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 2.8 मिलियन जो है वो कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही है, 2.8 मिलियन जो है वो मेरे पास क्या है, कैरिंग वैल्यू है। अब उसने कहा है कि हमने इसको लेकर चलना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। अब सवाल हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस का तो हमें रेट गिवन नहीं है, बट हम रेट तो निकाल सकते हैं। अब रेट निकालने का फॉर्मूला है, 1 माइनस अंडर रूट लेंगे, लाइफ 5 है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, उसके पास 5 लाख है, और जिस दिन हमने किया उस दिन की स्क्रैप है कैरिंग वैल्यू ही मेरे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी 28 है। तो इसको सॉल्व करूँगा, दैट वुड बी अराउंड 29.15% आएगा। अब मेरे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू है 28 लाख, इसका मैं लूँगा 29.15%, तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, ऑप्शन ए के करीब करीब बनती है 8,16,000। अब देखें ये सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट बड़ा आसान था, ये हमें गिवन था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाली, मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 26 लाख रुपया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना था WDV पर, रेट चाहिए था, रेट मेरे पास था नहीं, रेट का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस जो यूज़फुल लाइफ है उसका रूट लिया, 5 साल लाइफ रिमेनिंग, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड किया कॉस्ट। अब कॉस्ट यहाँ पे क्या है, जो कैरिंग वैल्यू आई है, तो मेरे पास रेट आया, इसकी बेसिस पे क्या करूँगा, सारा इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ का। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, हाउ ऑफन शुड द रेजिडुअल वैल्यू शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, हम क्या कर रहे होते हैं, इसको रिव्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद है हाउ शुड द यूजफुल लाइफ ऑन एसेट रिव्यू एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। 44 का देखते हैं, एट द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2020 एंटिटी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट है ये PPE की 2,860, डेप्रिसिएशन है इसकी 2,60,000। कहते जी ऑन 31 अगस्त 2021 द एंटिटी परचेज एन अदर आइटम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ 100 मिलियन, एंटिटी ने 100 मिलियन की एक और आइटम जो है वो ले ली है। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगी 20% पे ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब जिस मंथ पे लिया है उस मंथ से हम उसको लेके चलेंगे। व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन चार्ज
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। बताना है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा। देखें, एक हमारे पास एसेट्स हैं जो ओपनिंग बढ़े हुए हैं 860 के, इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे 20%। तो 860 का 20% लगाएंगे, जो पूरा साल हमारे पास रहे हैं तो ये आ जाएगा 86 से बनेगा 172 मिलियन की डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी। फिर हमने एक एसेट लिया 31 अगस्त को, वो कितने का लिया 100 मिलियन का, इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे 20%। अब ये हमने लिया अगस्त के एंड में, मतलब सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महीने आएंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो मेरे पास जो है वो जवाब आ जाएगा वो कितना बनेगा 6.67 बनेगा। जमा कर लेंगे तो ये बनेगा 178.67। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरे लिए क्या होगी, अप्रोप्रिएट होगी। फिर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2020 एन एंटिटी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट सब कुछ बताया है अभी, मतलब वो हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये वही सवाल है, इसको हम लेके चलेंगे किसके ऊपर, WDV पे। अब WDV मेथड पर लेके चलेंगे ना, तो देखिए मेरे पास जो साल के शुरू में एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू है वो है 600, तो मैं 600 लूँगा, उसके ऊपर मैंने रेट लगाना है 20% के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12 मिलने की मेरे पास डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 120 की मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगी एग्जिस्टिंग एसेट्स की। फिर जो मैंने इस साल एसेट लिए हैं वो 100 के हैं, उसके ऊपर लगेगा 20 और ये आ जाएगा 4/12, तो ये आ जाएगी 6.67, तो 6.67 बीच में ऐड किया तो ये बन जाएगा 126.67D। तो ये फ़र्क है, देखें अगर कॉस्ट पे है, अगर स्ट्रेटेड मेथड है तो मैंने ओपनिंग एसेट्स की 860 के ऊपर रेट लगाया कॉस्टली, अगर WDV है तो मेरे पास जो ओपनिंग एसेट्स की कैरिंग वैल्यू थी 600, उसके ऊपर रेट लगा के सारा मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। फिर जी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2020 एन एंटिटी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट है क्यूमलेटिव, ठीक है, द कॉस्ट अमाउंट ऑफ 860 मिलियन इंक्लूड रुपीज 150 मिलियन रिलेटेड टू फ्री होल्ड लैंड, इसमें से 150 मिलियन लैंड के पर डेप्रिशिएट नहीं होता। ऑन 31 अगस्त 2021 द एंटिटी परचेज एन अदर आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर रुपीज 100 मिलियन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रो रेटा बेसिस। हमने अब निकालना है कि मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कितना होगा। अब देखें मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब उसने कहा है कि लैंड भी शामिल है, तो हम ये 600 मिलियन जो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आई है इसमें से लैंड लेस करवा देंगे, तो ये बनेगा 450। अब हम इस 450 के ऊपर रेट लगाएंगे तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी बनेगी 90 की, और जो 100 मिलियन का लिया है उसके ऊपर रेट लगाया अगस्त में लिया है 4/12 किया, तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा डैट विल बी 6.67, तो ये बनेगा 96.67। ऑप्शन ए जो है वो मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। 47 अ नॉन करंट एसेट्स वर बॉट फॉर रुपीज 1.4 मिलियन 1st January, इट हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2 लाख की है। एंटिटी यूजिंग रिड्यूसिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ 31 दिसंबर 2021। देखिए 19 में लिया, 19 का पूरा, 20 का पूरा, 21 का पूरा, 3 साल चला है, 3 साल के एंड के ऊपर हम उसको बेच रहे हैं, तो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है 2 लाख है, तो कैरिंग अमाउंट भी कितनी होनी चाहिए, उसकी 2 लाख ही होनी चाहिए, असूल ये याद रखना है आपने। फिर 48 है जी, अ नॉन करंट एसेट्स वॉज बॉट फॉर रुपीज 1.4 मिलियन ऑन 1st January 2019, इट हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ रुपीज 3 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख। एंटिटी यूज़ रिड्यूसिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। हमने बताना है कि उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, वो हमने क्या करना है यहाँ पर बताना है, जो थ्रू आउट इस्तेमाल होगी। लाइक 14 लाख का एसेट था, 2 लाख जो है हम उसमें से लेस करवा देंगे, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट इस्तेमाल होगी थ्रू आउट द लाइफ वो 1.2 मिलियन जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा।
फिर जी द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ टू एंटिटीज, एंटिटी ए कॉस्ट है डेप्रिसिएशन है, एंटिटी बी कॉस्ट है डेप्रिसिएशन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द डिटेल्स डज नॉट प्रोवाइड एनी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, नहीं कंपेरेबल तो है। एंटिटी ए हैज़ इनिशियली इन्वेस्टेड इन मोर एज कम्पेयर टू, हाँ एंटिटी ए ने ज़्यादा पैसा लगाया एसेट्स में, इसके एसेट 100 करोड़ के हैं, उसके एसेट जो हैं 25 मिलियन के हैं। उसके बाद है एंटिटी ए हैज़ ओल्डर एसेट्स एज कम्पेयर टू एंटिटी बी, हाँ उसके पुराने एसेट्स भी हैं बड़े भी हैं। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं, डी भी नहीं है, ए भी करेक्ट नहीं बनता इसमें। फिर जी जुपिटर लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ₹5 लाख, उसने 5 लाख की मशीन ली है। इट इज़ बींग डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, हम इसे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास 2 लाख। ऑन 1 जनवरी फॉलोइंग अ चेंज इन लेजिस्लेशन JL फिटेड अ सेफ्टी गार्ड टू मशीन, द सेफ्टी गार्ड कॉस्ट रुपीज 2.5 लाख एंड यूजफुल लाइफ जो है 5 साल है, नॉलेज वैल्यू। वट अमाउंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने क्या करनी है बतानी है। तो उसने मशीन ली थी हमारे पास कितने की, 5 लाख की, स्क्रैप वैल्यू 20,000, डिवाइड करना है हमने उसको 10 के ऊपर। तो हमने कब लिया था, जुलाई में, तो 6 माह की डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास, नहीं जुलाई में ली थी और ईयर एंड है मार्च, सॉरी देखें जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने की हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 50 में 30, ठीक है ये आ जाएगी हमारे पास 36,000 जो है वो डेप्रिसिएशन जो है बन रही होगी। फिर उसने सेफ्टी गार्ड एक मशीन को लगाया, 25,000 कॉस्ट है और 5 साल उसकी लाइफ है, और ये लगा 1 जनवरी को, तो ये चूँकि सेफ्टी गार्ड है कैपिटलाइज होगा, 25,000 उसकी कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह की हम इसकी डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे, तो ये आ जाएगी 1250 जमा करेंगे 3,7,2,5,0, ये जो है हमारा इसका जवाब बन रहा होगा। तो जनाब ये सारे MCQs से हमारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बहुत डिटेल प्रैक्टिस करवाई है, लाइक हर चीज़ बताई है, अब मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन में कोई मसला आपको नहीं होगा। दवाओं में याद रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।